अस्सलाम वालेकुम गेमर्स, वेलकम टू द वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो देख रहे हो, आरपी स्टार्ट होने वाली है, काउंटडाउन चल रहा है और यहाँ पर इमोट्स चल रहे हैं। वेल, आपकी बहन रैंक 1 पर आने वाली है क्योंकि मैं बैठी हूँ दरवाजे पर। आरपी बस खुल गई और चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या है। वही ट्रेलर, वही आउटफिट, वही गन्स। ठीक हो गया, डन। अब कर लेते हैं पास अपग्रेड। तो मैंने वाउचर लिया था तो इसी से अपग्रेड करेंगे। एंड अपना आरपी कार्ड भी यूज़ कर लेना, आपको पिछले सीजन मिला होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गई आरपी प्लस। मैं जो है ना शेफ चिली बन गई थी। मैंने कहा भाई, मैं तो सबसे पहले मैंने आरपी खोली है, लेकिन यहाँ तो अरबी मुझे लगता है मुझसे भी पहले बैठे थे। आई थिंक मैंने इनकी आरपी चेक करूँ। अल्लाह अल्लाह, बस एक तरह से मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, वरना शायद अगर मैं पास अपग्रेड करके फ़ौरन आती तो एक सेकंड के लिए ही सही मेरा रैंक 1 आ सकता था। ये सब साइड में रखो और ये बताओ कि अगर चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर देना। और बताने वाली बात ये थी कि आरपी कैसी लगी, इमोट्स कैसे लगे और 50 आरपी कैसा लगा। यार 50 आरपी अच्छा है, काफ़ी टाइम बाद इन्होंने ढंग का जो है सेट दिया है, एंड आई लाइक दैट। इसके अलावा जो इन्होंने रिडीम सेक्शन में सेट दिया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और क्या है, जो क्रेड है ना, आरपी क्रेड, वो यूज़लेस है। पिछली आरपी का भी यूज़लेस था, अभी भी यूज़लेस है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है तो उसका कोई काम नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी पाइनएप्पल सेट की क्रेड ओपनिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। एंड यार देखो कितना वियर्ड लग रहा है ये, उफ गलत कर लिया, मुझे जो है कैरेक्टर फीमेल लेना चाहिए था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी तो मैंने कहा यार अभी टाइम नहीं है, फटाफट से बस इसी पे काम चला लेते हैं। तो मुआज़रत, बेइज्जती हो गई हमारे जो कैरेक्टर की है ना। लेकिन खैर, ये आउटफिट बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है आउटफिट। एक्चुअली कुछ ग्राफिक का भी कमाल होता है ना, जितनी हाई ग्राफिक होंगी उतना आपको इन्हेंस करके चीज़ें दिखेंगी। तो ये आप देख लो, मेरे पास सब कुछ है। मुझे बताओ आप लोग ये क्रेट खोलोगे या नहीं, यानी आपने आरपी ली थी कि नहीं ली थी, इसी पे डिपेंड करता है ना। तो इस बार हेलीकॉप्टर भी पर्पल वायलेट कलर का है। क्रेट ओपनिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने अपनी आरपी टीम क्रिएट करके ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अकेले मत बैठे रहना लेट्स से क्रिएट करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगे अगर आप लेट करोगे। तो परचेस करके सब में पहले आरपी टीम ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे आ जाते हैं क्रेड ओपनिंग की तरफ, स्टार्टिंग विथ 10 क्रेड्स और देखते हैं क्या मिला। यार इतनी जल्दी फ्लिप हो गए, ओ क्लासिक। कुछ नहीं, स्किप करके देखते हैं, टॉप मिल गया है। पता नहीं कौन ही वो खुशकिस्मत इंसान होगा जिसके पहले ही ड्रॉ में सारी की सारी चीज़ें निकल जाए। लेजेंडरी बैकपैक एंड शूज़। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पाइनएप्पल सेट काफ़ी पसंद है। इन्होंने अच्छे अमाउंट में जो है ना इसको डाला है क्रेट में, बॉटम वगैरह सब कुछ मिल गया, हेड केयर भी। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, वेयर करके दिखा देते हैं। एंड शुरू के जो ड्रॉ है ना उसमें इन्होंने जो है लेमन सेट दिया है, जो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो लेमन सेट इन्होंने गारंटेड रिवॉर्ड पर दिया है 5, 15, 25 आई गेस ऐसे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था लेमन सेट। तो पहले तो वो यूसी में था, फिर क्रेट्स वगैरह में भी आया। तो ये थी छोटी सी क्रेट ओपनिंग, ये है कंप्लीट लुक। वैसे तो इसकी रियलिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट इसका लुक जो है ना बहुत डिसेंट है और अच्छा है। इसकी मूवमेंट भी अच्छी है, मतलब ये सेट लोग चाहते हैं कि उनके पास हो। अचीवमेंट के बारे में मुझे बताओ, आप लोगों ने वो अचीवमेंट कंप्लीट कर ली स्टार ऑफ द पिच, उसके अंदर जो एक स्टेप है वो आपने चेयर पार्क में जो है गेम खेलना है और उसके अंदर जो है ना आपको 75 स्कोर करने हैं। तो मुझे बताओ आपने वो अचीवमेंट कर ली कि नहीं कर ली, क्योंकि बाकी सब तो आप एक ही मैच में कर लोगे जितने भी स्टेप्स हैं। इसके अलावा जो ये वाला गेम है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप 5 से 6 मरतबा भी खेलते हो ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे शॉट मारना है, ठीक है। तो मैंने भी 4-5 बार खेला और फिर मुझे जो है ना समझ आ गई डायरेक्शन की, और मतलब आप किस तरीके से शॉट मार सकते हो, कैसे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो जो कि 9 है। 9 और 6 मोस्टली आपने यही करना है तो आपका जो है ना हो जाएगा कंप्लीट। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।